अभी जो फिगर से आपको दिख रहा है, इसमें जैसे ए पोर्शन दिखा रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें इस पोजीशन है, इसमें ये शो कर रहा है कि जो हमारा ग्रेनुल्स है, ग्रेनुल्स जो होता है ठीक है, वो हमारा फीड फ्रेम जो है हॉपर से फीड फ्रेम में जो हमारा ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे उसकी एंट्री हुई। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये बी बी दिख रहा है, बी पोर्शन जो इसमें दिख रहा है, इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारा पाउडर आ गया तो पाउडर जो है पूरा उस पर्टिकुलर जो हमारा फीडर होगा वहाँ पे स्प्रेड होगा और जिससे कि हमारा डाई जो है फिल हो सके। अब सी पोर्शन आप देख रहे होंगे, सी पोर्शन जो है वो मेरा पुल डाउन कैम है ठीक है। अब ये क्या करेगा, पुल डाउन कैम जो है ये हमारा लोअर पंच को एकदम नीचे की तरफ ले जाएगा जिससे कि हमारा डाई जो है वो ओवरफिल हो सके। अब मेरा जो है ग्रेनुल्स आ गया फिट फ्रेम में, ग्रेनुल्स आके ओवरफिल हो गया, ओवरफिल होने के बाद अब हमारा वेट कंट्रोल, जैसे ई देख रहे होंगे आप ई, तो ये हमारा वेट कंट्रोल कैम है ठीक है। अब ये क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग जो है वो वेट को एडजस्ट करता है अप बाई कंट्रोलिंग द लोअर पंच मूवमेंट। अगर हम लोअर पंच को ऊपर लेंगे तो मेरा फील कम होगा तो मेरा वेट भी कम होगा, लो अगर लोअर पंच को नीचे लेंगे तो मेरा जो है वो फील जो है हमारा फील वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जैसे इसमें डी दिख रहा है, डी डी पॉइंट आपको दिख रहा होगा ठीक है। अब ये डी जो है ये मेरा स्क्रैपर है, ये क्या करेगा, मेरा डाई ओवर फिल हो गया, मेरा वेट एडजस्ट हो गया, अब ये क्या करेगा, जो भी एक्सेस पाउडर है उसको स्क्रैप करेगा ठीक है। ये स्क्रैप करके वहाँ से डायरेक्ट उसको स्क्रैप करेगा या फिर रिसर्कुलेशन बैंड के थ्रू ये फिर से उसको फीड फ्रेम में भेज देगा। अब हमारा जो इसमें एफ पॉइंट आपको दिख रहा होगा एफ ठीक है, ये हमारा लोअर कंप्रेशन रोलर है ठीक है, और जो मेरा जी पॉइंट दिख रहा है वो अपर कंप्रेशन रोलर। तो ये अपर एंड रोलर, जो कंप्रेशन रोलर, अपर कंप्रेशन रोलर और जो हमारा लोअर कंप्रेशन रोलर है, ये अपर पंच और लोअर पंच को प्रेशर देते हैं और वो जिससे कि टेबलेट हमारा कंप्रेस होती है। अब डिस्टेंस जो होता है अपर पंच और लोअर पंच की, जो डिस्टेंस होती है वो डिसाइड करती है हमारे टेबलेट की हार्डनेस और थिकनेस को। बट ये जब प्रेशर के थ्रू डाई कैविटी के अंदर जाते हैं तो हमारा जो है वो टैबलेट को फॉर्म करता है और उसकी थिकनेस और हार्डनेस को हम इनके डिस्टेंस, अपर पंच और लोअर पंच के डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हैं। अब एच पॉइंट जो देख रहा है, एच मतलब एच की क्या कर रहा है, ये मेरा अपर पंच को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, अपर पंच को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और मेरा जो आई है ये मेरा इजेक्शन कैम है, ये एट ए टाइम लोअर पंच को ऊपर की तरफ लेके आ रही है डाई सरफेस की तरफ। अब इस केस में हमारा जो लोअर पंच होगा 0.1 से 0.2 mm जो है वो ऊपर उठता है और टेबलेट को डाई कैविटी के ऊपर लेके आता है। अब इसके बाद जो है हमारा आगे का एक, जैसे टेबलेट मेरी डाई टेबल पे आ गई, फिर टेबलेट को मेरा स्क्रैपर या टेक ऑफ प्लेट या स्क्रैपर प्लेट कुछ भी बोल सकते हैं, वो हमारे टेबलेट को वहाँ से मूव करके एग्जिट सूट में देती है और लाइन मशीन के थ्रू पास होता है ठीक है, वो हमारा एग्जिट सूट से पास हो जाता है। अब जैसे ही मेरा ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, मेरा पाउडर आया, मेरा ओवरफिलिंग हुआ, मेरा मीटरिंग हुआ, मेरा कंप्रेशन हुआ, मेरा टेबलेट का इजेक्शन हो गया, अब जैसे ही ये जो है, जैसे ही ये पूरा एक प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया, प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, फिर इसके बाद क्या हो गया, मेरा टेबलेट इजेक्शन इजेक्ट हो गई। अब ये क्या करेगा, लोअर पंच फिर पुल डाउन कैम में जाएगा सी में, और फिर से मेरा फिल होगा, फिल होने के बाद मेरा वेट एडजस्टमेंट होगा, वेट एडजस्टमेंट के बाद मेरा स्क्रैपिंग होगा, स्क्रैपिंग के बाद मेरा फिर से कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद फिर से इजेक्शन होगा, और फिर से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है।